नयोच्छावर होने वाले लोग जुड़े, टिकट मांगने वाले तो बहुत होते हैं, संगठन का काम करने वाले लोग जुड़े, तो ये तपस्वी का जो काम है वो संगठन के निर्माण का, नेतृत्व निर्माण का काम होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप में से भी कुछ लोग वहां पहुंचे। ये हमारा प्रशिक्षण 7 स्तरीय संगठन है। कितने स्तर का संगठन है? 7 स्तर का। और वो राष्ट्रीय से, जोनल से, प्रदेश तीसरे स्तर पे है, चौथे स्तर पे हमारा जिला होता है, 5वें स्तर पे ब्लॉक होता है, 6ठे स्तर पे हमारा सेवा मंडल 30 बूथ का संगठन होता है, और 7वें स्तर पे कौन सा है? बुनियादी संगठन। हम उसको बूथ नहीं कहेंगे, बूथ पे ही होगा, पर उसको बोलेंगे बुनियादी संगठन। कौन सा संगठन? जिसका बुनियाद मजबूत हो फिर उस इमारत को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमारा संगठन का जो बुनियादी संगठन है वो सबसे मजबूत करना, और उसके लिए भी टेस्ट है कि वो पता चलेगा कि वो बुनियादी संगठन है कि कागज पे चल रहा है। उधर दल जगत जाना चाहिए, उधर हर महीने के अंतिम रविवार को ध्वजवंदन होना चाहिए, और वहां पर सोशल मीडिया में इंचार्ज जो होगा उसके फोटो के जरिए लाइव होना चाहिए, तो पुरानी फोटो नहीं चलेगी। तो ये 3 प्रकार के वहां पर हमारे मेजरमेंट के तरीके भी हैं। और जो जिला का अध्यक्ष, मैं फिर से आपको कहता हूं, जो जिला का अध्यक्ष 100% बुनियादी संगठन बना लेगा, उस जिला के अध्यक्षों का राष्ट्रीय स्तर पे सम्मान किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कांग्रेस पार्टी के हाथों से उनका हम लोग सम्मान करवाएंगे। तो आप में से अगर कोई चैलेंज लेना चाहते हैं तो कर लीजिए, ये बहुत बड़ी भूमिका हमारे पास है। सब लोग चर्चा करते हैं कि सेवा दल मजबूत होता तो ये नहीं होता, फलाना नहीं होता, ये सब कुछ, और सब लोग कहते हैं, देश में चर्चा का विषय है। जो जो मैं एनजीओ वाले और जो सामाजिक आंदोलनों के बैकग्राउंड से आता हूं, वहां पे ये लोग लगातार चर्चा, पहले कांग्रेस की बहुत, कांग्रेस की पार्टी ही है जो देश को बचा सकती है, एकता अखंडता बंधुता रख सकती है। तो वहां पर सब लोग चर्चा करते हैं कि देश को मजबूत रखना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो कांग्रेस का मजबूत होना बहुत जरूरी। पर सवाल वो आता है कि देश को मजबूत करने के लिए तो कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है, पर कांग्रेस को मजबूत रखना है तो किस संगठन का मजबूत होना जरूरी है? क्योंकि कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी सेवा दल माने जाते हैं, सूरज जी उसको बोन मैरो भी कहते हैं। तो जिसका बोन मैरो ठीक हो बाकी सब कुछ ठीक होता है, जिसकी रीढ़ की हड्डी ठीक हो सब ठीक होता है। रीढ़ की हड्डी ही अगर कमजोर हो गई तो पूरा शरीर आप जानते हो। तो फिर से मैं उस बात पे आता हूं जो आर्टिकल में लिखा था कि ये अंतिम सांसें ले रही है। आजकल मीडिया वाले चर्चा कर रहे हैं कि ये सेवा दल तो दिखता नहीं था, आज देश भर में फिर से दिखना शुरू कर दिया है। 9 अगस्त को देश भर में 31 जगह पे बड़ा बड़ा तिरंगा मार्च हुआ, वृक्षारोपण दिखता है, सोशल मीडिया में सेवा दल दिखता है, कहीं ना कहीं कार्यक्रम में 4-5 पीसीसी अध्यक्ष से अभी सुना हूं कि लालजी भाई आपका सेवा दल लगता है कि सबसे आज फ्रंट पे दौड़ रहा है। तो हमको बड़ा अच्छा भी लगता है कि सेवा दल की वो लोग तारीफ भी करते हैं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो जो हुआ है वो हमारा बॉन्ड मेरा अच्छा होने की वजह से हुआ, हमारा मूल जो विचारधारा था वो अच्छा था इसीलिए हुआ है। ये इसलिए मैंने अजमेर में कहा था, आप लोग में से अजमेर कितने लोग आए थे? जो काट दो, खत्म कर दो, जला दो, फिर भी वो राख से ऊंची उड़ान भरने वाला संगठन है। हम तो अमर पंछी की तरह है। हम कैसे संगठन है? अमर पंछी की तरह, जिसको कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि हमारे नहीं मरने का कारण है हमारी विचारधारा सही है, हमारे इतिहास, हमारा उसको हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं कि पुराना जो हमारे इतिहास के साथ जो हमारी धरोहर है वो जबरदस्त है। जिसकी धरोहर मजबूत हो, जिसका इतिहास मजबूत हो, जिनके आदर्श ऊंचे हो, जिनका विचारधारा सही हो, वो संगठन कभी खत्म नहीं होता है। हो सकता है थोड़ा ढीला पड़ जाए, थोड़ा कम एक्टिव हो जाए, पर जब जरूरत। तो किसी मीडिया ने पूछा कि सेवा दल आजकल दिखता क्यों नहीं था, मैंने बोला कि जब देश में शांति हो तब आपको आर्मी एयरफोर्स दिखता है? है? जब देश में शांति हो, बॉर्डर पे शांति हो, तो आर्मी या एयरफोर्स आपको सही रास्ते में दिखता है? नहीं दिखता है। पर जब युद्ध का माहौल हो तो तब लगता है ना कि वहां से एकदम शेर एक
टेक्निकल क्या थे, तो मैंने बोला कि शेर शेरनियों का संगठन है, अब युद्ध की नौबत है, इसलिए आप दिखेगा, क्योंकि देश को विभाजन करने वाले, देश को बांटने वाले तानाशाहों ने जब देश को लूटना शुरू किया है, इसीलिए हम दोबारा मैदान में है। बीच में जरूरत नहीं थी, कांग्रेस का शासन था, देश में शांति थी। तो ये बात हम लोग इस प्रकार से इनको देखते हैं, मतलब महाराष्ट्र पूरा पॉपुलर है उसके लिए कि गणेश का पूरे देश भर में अगर इस त्योहार को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, मुझे लगता है पुणे से शुरू हुआ था ना, ओरिजिनली लोकमान्य तिलक जी ने शुरू किया था, मैं उस जगह पे गया था पिछले साल, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसका थोड़ा लॉजिक के साथ उसको सुनिए, गणेश का मतलब गुण और ईश, मतलब क्या मतलब हुआ, गुणों के भगवान, जिसके अंदर गुण, जिसके अंदर क्वालिटीज है, उसके लिए उसका ये नाम जो है गणेश है। कोई भी काम शुरू करना चाहे, मैं अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रक्रिया होगी, पर ज्यादातर जो हिंदू धर्म में जो मानते होंगे, कोई भी काम की शुरुआत करते, शादी का होता है या नई दुकान होती है, नया घर लेते हैं, तो पहले क्या लिखते हैं, श्री गणेश आय नमः। जब व्यापारी अपना पहला धन साल का नया दिन, पहला जो चौपड़ा पुराना वाला बंद करके नया किताब शुरू करता है, तो क्या लिखता है, श्री गणेशाय नमः। चोर चोरी करने जाता है, उसके हाथ में जो लोहे का हथियार होता है उसको क्या कहते हैं, पता है आपको है? उसको भी गणेश बोलते हैं। चोर चोरी करने जाता है और उसके हाथ में जो हथियार होता है, वो किसी के घर को तोड़ने के लिए जो होता है, उसको भी वो, उसके लिए भी, उसके दिमाग में भी गणेश चल रहे होते हैं। मतलब हर कोई गणेश को मानता है शुरुआत का, कोई भी काम करने से पहले। ऋषि मुनियों ने भी जब कल्पना किया कि अब सब देवों के बीच में किसी एक को लीडर बनाना है, तो किसको बनाए, तो उनको सबसे पहले किसको पसंद किया, कार्तिकेय को नहीं पसंद किया था, किसको पसंद किया था, लीडर का मतलब यह होता है कि आप बड़े पेट वाले होने की, फिजिकली नहीं, सोच के तौर पर। उनका नाक बहुत लंबा है, उसका क्या हो जाए, नाक लंबा, आप लोगों की तरफ नाक लंबा कर लीजिए अगर नेता बनना है तो, और वो ऐसे फिजिकली नहीं, बड़ा नाक का तो सीधा मतलब है। इसको इसलिए मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ कि हमको भी सोचना पड़ेगा, क्या गणेश को हम द्रौपदी बाप्पा मोरिया मोरिया करके बात को खत्म कर देंगे, जैसे कृष्ण के टाइम पर गौरव वाली होनी चाहिए कि नहीं, मेरा नेता राहुल गांधी है, महान है, क्योंकि उसने अपने पद को त्याग करने के कारण में जब सोचा तो लाख कोशिशों के बावजूद भी, नहीं तो छोटा पद लोग नहीं छोड़ते हैं, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। मेरी नेता सोनिया गांधी है, जिसको प्राइम मिनिस्टर जब बनने का मौका था तो प्राइम मिनिस्टर के पद को उन्होंने त्याग दिया था, तो त्याग और बलिदान वाली बात हमारी परंपरा है। हम तो बैठ के ये करेंगे चर्चा, दूसरी वाली चर्चा से बदल नहीं करेगा। हम प्रदेश के कांग्रेस के लीडरों का भी हो सकता है किसी चीजों में अनबन हो, पर जब हमारा लीडर होता है प्रदेश के कांग्रेस का, तो वो लीडर होता है, हम उन चीजों में नहीं पड़ेंगे जो बाकी आम पॉलिटिशियन करते हैं, छोटी राजनीति करते हैं, नीची राजनीति करते हैं, हम उसमें नहीं पड़ेंगे, हम ऊंची राजनीति करेंगे, हम संगठन का काम करेंगे, कांग्रेस की अच्छाइयों के बारे में बात करेंगे। और मैं लगातार ये कहता हूं कि दुनिया में एक भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं हो सकती है जिसमें ग्रुप ना हो, किसी भी संगठन में विविध ग्रुप नहीं होते हैं तो वो पार्टी मजबूत हो नहीं सकती है, वो पार्टी डेमोक्रेटिक रह नहीं सकती है, वो पार्टी में कॉम्पिटिशन हो नहीं सकती है। नहीं तो जिस दिन मैं अकेला, उदाहरण के तौर पे मुझे अगर मैं मुंबई आया और मैं ही अकेला मुंबई का सरताज बन जाऊं कांग्रेस पार्टी का, तो दूसरों की कौन सुनेगा, मैं अपनी मनमानी करूंगा, भाजपा की तरह तानाशाह हो जाएगा, नागपुर से तय होगा, वो सबको मारना पड़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद सर।
हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष श्री लालजी देसाई जी मोमेंटो देकर उनको साथियों एक वचन शिविर को हम लोग आज यहाँ सफल समापन तक पहुंचे हैं तो इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने पूरी तरह से सहयोग किया, हमारा नेतृत्व किया, हर तरह की सहायता की और इस प्रशिक्षण शिविर में लगभग रोज आए और अपने सहयोगी अपने साथी और यहाँ के कार्यकर्ताओं का संबोधन करें और उसके बाद में वो यहाँ से जाएं। के द्वारा प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम मुंबई प्रदेश सेवा दल के तरफ से आयोजित किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के मुखिया अध्यक्ष सम्माननीय श्री लालजी भाई देसाई जी, महाराष्ट्र युवक कांग्रेस के अध्यक्ष नौजवान श्री सत्यजीत तांबे जी, सेवा दल के यहाँ हमारे जो प्रशिक्षिका प्रशिक्षक सभी यहाँ उपस्थित हैं, रामजी भाई, साहब अली भाई, हमारे जो इंचार्ज हैं शंकर गौड़ा पाटिल जी, प्रेम यादव जी, सुरेश शर्मा जी, किरण जी, सतीश भनचंदा जो जिनके बारे में हमारे लालजी भाई बताते बताते उनको बताया कि पेट खाने के लिए नहीं है, गणेश जी वाला पेट को बस समझो, अमीना बहन, पुष्पा हिरवाल, राजेश, हमारे दूसरे रहीम खान, धनंजय तिवारी, श्याम ठक्कर, यशव ठाकुर, दूसरे हमारे जो इस जिला के एक बड़ी नाम जिला सेवा दल के प्रमुख देवदत्त, उनके सभी साथी और मैं यहाँ सेवा दल प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित उन लोगों का भी नाम लेना चाहूंगा जो पीछे खड़े होकर के कभी पीछे बैठ करके सारी व्यवस्था देखते हैं। उसमें एक नाम है कृपा शंकर पांडे, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। जब से शिविर की शुरुआत हुई उनके साथ सभी यहाँ इस इलाके के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ऊपर से पप्पू यादव भी हैं, राजा पवार हैं, हमारे कैपिटल डिवेलो हैं, फिर दूसरे हमारे रामचंद्र मौर्या हैं, सभी यहाँ हमारे जो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बेसिक के सब यहाँ उपस्थित हैं और खास करके आशीष होड़े भीम छाया सांस्कृतिक सेवा केंद्र जहाँ लोग उपस्थित हैं। जब प्रशिक्षण की बात आई तो हमने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी सामने अगर प्रशिक्षण शिविर होगा तो मुझे लगता है कि संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर हमारे सामने होंगे और प्रशिक्षण लेने के टाइम उस संविधान की गरिमा को समझे। मुझे मैं प्रशिक्षण शिविर में आया हूँ, डॉक्टर पुष्पाई वाल अभी गई, वो कार्यक्रम गई थी, एक साथ हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया हुआ है। जनार्दन चांदोरकर उस समय 1985 में MLA हुआ करते थे और जो भी शख्स कांग्रेस पार्टी का अगर सेवा दल से प्रशिक्षण लिया रहेगा तो मुझे लगता है उसका आने वाले समय में उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा अतीत क्या था, हमारा भविष्य क्या। आज कंटिन्यूटी इन चेंज, अतीत के न्यू पर भविष्य का निर्माण है। इसी मुंबई शहर से जब भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व शुरू किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट और इस कांग्रेस की स्थापना भी इसी मुंबई में 28 दिसंबर 1850 से हुई थी। मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतनी संख्या हमारी बहने सेवा दल के लिए राष्ट्र के लिए समर्पित होकर आई है। मैं उनका अभिवादन करना चाहूँगा क्योंकि महिलाओं को घर की सेवा करने में वक्त नहीं मिलता है, पार्टी के माध्यम से देश की सेवा लोगों की सेवा करने के लिए जो बहनें उपस्थित हैं, मैं मधुबन आपके साथ उन सभी बहनों को मैं अभिवादन करता हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ। दो चीज़ें मेरी सूचना है लालजी भाई, क्योंकि मुझे पता है कि आप एक ऐसे सैद्धांतिक व्यक्ति हैं, आपको किसी साहब ने बहुत अच्छा कहा है कि दूसरे की शर्तों पे सुल्तान बनने से बेहतर है अपनी मर्जी से फकीर बन जाना। आप एक ही शर्त है कांग्रेस पार्टी, आप एक ही शर्त है कांग्रेस हमारे लीडर। अगर आप शर्तों पे लोगों की शर्तों पे
यानी लोगों के रिकमेंडेशन पे आप अगर कमिटियां बनाते तो आज प्रशिक्षण शिविर नहीं होता। और आज उसका कारण है कि आज प्रशिक्षण शिविर में 3 दिन से लगातार लोग यहाँ उपस्थित हैं और उसी सिपाही के रूप में जो आपका आदेश है उसका पालन कर रहे हैं। मेरी 2 सूचनाएं हैं, इसको आप कर देंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्रशिक्षण में 2 पॉइंट जुड़ जाएंगे। एक, जब भी कोई किसी पार्टी से दूसरी पार्टी से अपनी कांग्रेस पार्टी में आता है तो मेहरबानी करके चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया जी गांधी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे महाराष्ट्र प्रदेश के बाला साहब थोरात जी हो, चाहे मुंबई का नीरेंद्र थोरात हो, उनको बता दो कि जो व्यक्ति को पार्टी में लेते हो उसको पहले प्रशिक्षण शिविर सेवा दल का लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, हमको उम्मीदवारी मांगने के टाइम चाहे महापालिका की हो, चाहे जिला पंचायत की हो, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे विधायक का हो, चाहे सांसद का हो, जब एप्लीकेशन देता है, अर्जी देता है कि मुझे मतलब चुनाव लड़ने की इच्छा है, उसमें एक कॉलम प्रिंट करवा दीजिए, सेवा दल का प्रशिक्षण लिया हुआ है कि नहीं। और अगर सेवा दल का प्रशिक्षण लिया हुआ वो व्यक्ति नहीं है, वहीं रिजेक्ट कर देना चाहिए कि तुम चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि चुनाव किन आधारों पर लड़ोगे। इसलिए एक कॉलम उसमें पकड़वा दीजिए, अभी चुनाव चल रहा है, ऐसे हमारा जो आपने किया है आप कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि दूसरे की शर्तों पर आप सुल्तानपुर में कभी नहीं पसंद करेंगे, अपनी मर्जी से लालजी भाई फकीर बने रहेंगे चले। जैसे राहुल जी गांधी ने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दिया, ये पहला हमारा सेवा दल का सिपाही कमांडेंट है लालजी भाई, इन्होंने कहा कि अगर नेता की नैतिक जवाबदारी है मेरी भी नैतिक जवाबदारी है, इन्होंने अपना इस्तीफा वहां सबमिट कर दिया। बहुत लोग सोचने लगे राहुल जी को मनाने में लगे, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरा नेता अगर अपनी नैतिक जवाबदारी लेता है तो लालजी भाई के साई सेवा दल का मुखिया होने का मेरी जवाबदारी है। मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा लालजी भाई। ये 2 चीज जो है अगर इसमें जोड़ देंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में इस सारी परिस्थितियों को बहुत चीज़ें मिल सकती हैं। मुझे ये भी कहने बड़ा गौरव है कि जब भी मेरा कोई कार्यक्रम इस इलाके में होता है, एक सिपाही होने के नाते मेरी कोशिश होती है कि उस सेवा दल को प्राथमिकता देनी चाहिए। थोड़ा देर भी होता है, अगर सेवा दल का कोई सिपाही नहीं आए तो मैं झंडा फहराने के लिए रोक देता हूँ, और झंडा फहराने तक सेवा दल सिपाही बहाना चाहिए। लेकिन ये भी बताने में खुशी होती है, कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि सेवा दल का कोई सिपाही देर से आया हो, कोई कार्यक्रम आया हो। अभी मुंबई कांग्रेस के सचिव हैं शरीफ खान, ये युवक कांग्रेस से सेवा दल के हर कार्यक्रम जहाँ से कोई अगुवाई देती है। हमारा यूथ कवि पूर्व अध्यक्ष बाला सरोदे एक ऐसा यूथ अध्यक्ष है जो अभी भी यूथ है, आगे भी यूथ रहेगा, भले उसको पद रहे या ना रहे अपना काम करते रहता है। सरजीत तांबे जी को मालूम है, सरजीत तांबे जी आप बहुत कम लोग परिचित हों, असेंबली के चुनाव लड़ चुके हैं, इनके पिताजी लगातार तीसरी बार विधान परिषद में लोकल बॉडी से चुनके आते हैं, इनकी माता जी अमन नगर में नगराध्यक्ष रही कई साल, और आज के हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोरात जी वो इनके मामा हैं, वो पद बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले इस लड़के में सचिव तांबे ने, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विषय पर सोनिया जी के बारे में सब कहा कि आदमी को पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, ये बोर्ड लगा था पेट्रोल पंप पे जहाँ पे लिखा था कि गैस प्रधानमंत्री का फोटो, ये आदमी गाड़ी पर खड़ा होकर के डामर ले जा करके अपनी बताने के लिए गुस्सा का इजहार करने के लिए यूथ कांग्रेस जो है वो जाकर के लगाया, पुलिस अरेस्ट की और इनके ऊपर मेरे घर मुकदमे काफी हो गए हैं। तो ऐसा गुस्सा क्यों आना चाहिए, ऐसी परिस्थिति क्यों निर्माण होनी चाहिए? अगर हम सेवा दल से ट्रेनिंग लिए हुए हैं, अगर सेवा दल का सिपाही है तो मुझे लगता है कि हर मोर्चे पर अपनी सफलता इजहार करेगा। आपका इसमें भी साधवाद देना चाहूँगा कि एक कहना नहीं चाहिए प्रशिक्षण शिविर है, हमेशा सेवा दल के सिपाही कोई लीडर आ गया पानी का बॉटल दरवाजे पर खड़े रहना, उनको सलूट करना, सलूट करके चले जाए, जो चाहता था कांग्रेस के नेता, अरे सेवा दल बुला लो, आपने वो बंद कराया है, बहुत अच्छा काम कराया है। मैं आपको साधुवाद देता हूँ और सदे राहुल जी गांधी को अभिनंदन करना चाहूँगा जिन्होंने आपको पूरी छूट दी है कि आप ऐसा काम करो। इससे ज़्यादा समय जो थी मुंबई में महिला कांग्रेस की अखिल भारतीय महिला के अध्यक्ष वहाँ सुषमा जी आई है, वहाँ भी जाना है। मैं आप लोगों को फिर से बधाई देता हूँ, और जैसे पास आउट होती है कि नहीं,
जब पंद्रह के साथ सर या पुलिस के कर्मचारी ट्रेनिंग कर जाते हैं और जब उनको अंतिम में जाना होता है, उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती है, आपका जो संकल्प है, आपका जो नारा है, अभी भी ऐसी स्थिति है, बहुत सारे नेता को झंडा गीत नहीं आता है। बीजेपी की तिरंगा पहली लाइन बोलेंगे और दूसरे को देख करके खाली वोट गिराते रहते हैं। बहुत लोगों को जनगण मन विनायक बोलने के समय ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष का सत्कार करने सम्मान कर रहे हैं। हम पेश करेंगे अपने सेवा दल की तरफ से और हम आग्रह करेंगे ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष से कि श्री कृपा शंकर सिंह जी को मौके पर पेश करें सर और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशिक्षण शिविर यहाँ पे चल रहा था, क्या कुछ तैयारियाँ थी इसके लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यह आज चौथा दिन है प्रशिक्षण का, हमारा ये अंतिम दिन है। सहयोगी प्रशिक्षण कैंप सेवा दल का जो प्राथमिक हमारा जो कैंप होता है 3.5 दिन का, उसका था। अभी सेवा दल में 5 स्तरीय प्रशिक्षण कैंप देश भर में चल रहा है और ये मुंबई के अंदर का 2रा प्रशिक्षण कैंप है। 1 हफ्ते पहले भी इधर एक प्रशिक्षण कैंप हुआ और ये 2रा है। आगे जाके हमारा समर्थ करके उसके अगले स्टेप का प्रशिक्षण कैंप होगा। मुख्य तौर पे सेवा दल के साथ ही आने वाले सिर्फ चुनाव की तैयारियां नहीं पर पूरे भारत के अंदर जिस प्रकार से आज माहौल है देश के संविधान को कमज़ोर करने का, देश के जो मूल मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वावलंबन और सुरक्षा, इन सब मुद्दों को भटकाकर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये दोनों की जोड़ी ने मिलकर देश के अंदर आज एक माहौल बनाया है कि लगातार एक भय का माहौल, मुद्दों की भटकने की राजनीति जो कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग मिलकर जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए सेवा दल को तैयार कर रहे हैं। अभी अपने अभिभाषण में कृपा शंकर ने कहा कि हर कांग्रेसी को जरूरी है कि सेवा दल से प्रशिक्षण ले तभी वो चुनाव लड़े, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं मानता हूँ कि विचारधारा का प्रशिक्षण हर कांग्रेसी को होना चाहिए और जिस विचारधारा में जो साथी है उस विचारधारा का प्रशिक्षण लगातार लेना चाहिए। और कांग्रेस का सबसे जो मैं अभी साथियों को भी बात कर रहा था कि इस देश में कोई प्रदेश के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई जाति के नाम पर या कोई धर्म के नाम पर वोट मांग रहा है। कांग्रेस ही एक अकेली पार्टी है, वो पूरे देश की एकता, अखंडता, बंधुता और सार्वभौमत्व की चर्चा करती है और देश की जनता को धर्म, जाति या प्रदेश के और भाषा के नाम पर नहीं बांट कर एकता की चर्चा करती है और मानवता की बात करती है, समानता की बात करती है। और कांग्रेस के ये मूल विचारधारा में ये है, इसलिए हर कांग्रेसी को सेवा दल का और कांग्रेस की विचारधारा का प्रशिक्षण लेना चाहिए। लाल जी सर, ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आरएसएस अपनी ये खोपटी है, तो अगर इसमें सेवा दल में भी इस प्रकार का कॉलम आ जाएगा कि वो प्रशिक्षण लेने वाला ही चुनाव लड़ पाएगा, तो हो सकता है कि सेवा दल भी भटक जाए अपने रास्ते से जैसे आरएसएस भटका हुआ, क्या कुछ कहना? मैं हम लोग उसकी सोच में एक बहुत बड़ा फर्क है। उनकी जो लगातार सोच है वो लोकतंत्र की जगह पर मात्र सत्ता का केंद्रीयकरण की है, क्योंकि उनके विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, नागपुर से निर्णय लिए जाते हैं और उन निर्णयों को थोपा जाता है। कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और उसमें सेवा दल एक पूरी तरह से 100% डेमोक्रेटिक प्रकार की एक प्रोसेस चलाता है जिसमें नीचे की आवाज़ को ज़्यादा मजबूती से सुना जाता है और उसी चीज़ों को थोपा नहीं जाता है। और इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि आगे जाके भी कभी भी हम लोग इस प्रकार की थोपने की कोशिश करेंगे। जो आरएसएस भाजपा पर और आरएसएस बाकी देश पर थोप रहा है वो कभी भी सेवा दल कतई नहीं चाहेगा। सेवा दल लगातार जनता के मुद्दों की बात करेगा, देश की भावनाओं के बारे में बात करेगा, हमारे देश की जो संस्कृति है सबको साथ लेके चलने वाली उसके बारे में बात करेगा। इसलिए हम इवन बात निकल के आती है कि चुनाव में बिना प्रशिक्षण को कांग्रेस का टिकट नहीं मिलना चाहिए, ऐसी जब बात आती है तो लगातार ये भी कहेंगे कि हर चीज़ को कंपलसरी करने से कभी भी वो अंदर से कोई बदल नहीं सकता है। तो ये विचार के बदलने की बात है, इसको कंपल्सन वाली बात में नहीं लेना चाहिए। सर, सेवा दल की बात करें, किन किन राज्यों में ये सेवा दल कार्यरत है और कहाँ कहाँ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी संख्या में ये कार्यकर्ता हैं सेवा दल? मैं ये पिछले साल काफ़ी लोग मुझे सवाल जब पूछ रहे थे तो मैंने तब कहा था कि हम करीबन 1.5 लाख के आसपास देश भर के अंदर सेवा दल के हमारे सक्रिय साथी हैं। करीबन 70,000 जो युवा नए हमारे साथ जुड़े हैं, जो सेवा दल का यंग ब्रिगेड है, ब्लू जीन्स, वाइट टी शर्ट और स्पोर्ट्स कैप्स के साथ, एक पूरे नए ड्रेस कोड्स के साथ हमारा सेवा दल का यंग ब्रिगेड भी है। सेवा दल के अंदर अभी स्वास्थ्य
को लेकर हम लोग अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं। सेवा दल का योग जो हिंदुस्तानी योग सेवा संस्थान करके हम लोगों ने जबलपुर से शुरू किया है, तो सेवा दल की अब एक के बाद एक करीबन नौ विंग्स हमारी शुरू हुई है। और हम लोगों ने तय किया है कि हमारे लिए सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सेवा, नेतृत्व निर्माण और संगठन निर्माण, और उसी को लेकर सेवा दल के साथ ही काम कर रहे हैं। 200 प्रशिक्षक सेवा दल में आज काम कर रहे हैं। उसी तरीके से भारत न्याय सेवा संगठन करके हमारा लॉयर्स का संगठन 4 राज्य में है। आपने पूछा कि सेवा दल कितने राज्य में है, मैं कहूँगा कि देश के हर राज्य में आज सेवा दल सक्रिय है। कल मेरे को मिलने कोई मेहमान आए थे तो मैं देख रहा था, उनको पूछा कि कहाँ जा रहे, तो बोला ये जिले में, तो बोला अच्छा वहाँ सेवा दल है। तो आज भारत का कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ पर सेवा दल ना हो, भारत का कोई राज्य शहर ऐसा नहीं है जहाँ पर सेवा दल ना हो। मैं शहर और जिले से आगे बढ़कर आज हम लोग ब्लॉक के लेवल पर सेवा दल को सक्रिय करने का काम कर रहे हैं, और 7 स्तर का जो हमारा संगठन, 5 स्तर का जो हमारा प्रशिक्षण है, उसी पर हम लोग अभी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। सतीश जी, मेरा सवाल आपसे है, कितना इस प्रशिक्षण का लाभ कांग्रेस पार्टी को, कलीना विधानसभा की बात करें तो कितना इसका असर रहेगा, कितना लाभ मिल पाएगा? यहाँ पर जो प्रशिक्षण दिया गया है, जो 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, जो घड़ी घड़ी बीजेपी वाले प्रश्न करते थे, उस सारे प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं, ताकि सेवा दल के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में जाके, अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में जाके लोगों को बताएं कि जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे घर कैसे थे, आज हमारे घर कैसे हैं, उस समय हमारे पास क्या क्या निर्माण होता था, सीमेंट कितनी संख्या में निर्माण होता था, अनाज हम अमेरिका से लाते थे लाल गेहूँ जो वहाँ पर वो अपने पशुओं को खिलाते थे, आज हमारा देश कृषि में, आज हमारा देश गोरख धन में, आज हमारा देश सीमेंट में, लोहे में, सब में वर्ल्ड में अव्वल है। इसके साथ साथ कांग्रेस ने बढ़ती आबादी को देखते हुए इतने इंडस्ट्रीज का निर्माण किया कि लोगों को रोजगार मिल रहा था, परंतु आज रोजगार खत्म हो रहे हैं, युवाओं को नौकरी नहीं है। यही संदेश इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग जगह जगह में लोगों के पास पहुँचेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। की तरफ से कितने दिन तक ये शिविर चला और क्या कुछ असर रहेगा कांग्रेस के लोगों पे? ये प्रशिक्षण शिविर आज से ही नहीं, कई सालों से जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से कांग्रेस सेवा दल हमेशा से आगे रहता है और हमेशा देश के प्रति सेवा, एक जो श्रमदान कहते हैं उसे हमेशा देते रहते हैं। इसी की कड़ी में आज हमारे इस जिला के अंदर सेवा दल का प्रशिक्षण शिविर पिछले 4 दिनों से चल रहा है, आप देख रहे हैं आज इसका समापन दिवस है। भारी संख्या में सभी हमारे जितने भी सेवा दल के साथ हैं इसका प्रशिक्षण शिविर लिए हैं, आज उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी तरह से लोगों ने इसको सुना है, सीखा है, और आने वाले चुनाव में ये संदेश लेकर पूरे इलाके में जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जो सही मायनों में जो एक देश के प्रति जो भावना होनी चाहिए वो हमारे सेवा दल के अंदर है और वो हमेशा आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सर।